VIP. Let's kick it. Collaborate and listen. Ice is back with my brand new invention. Something grabs a hold of me tightly. Flow like a harpoon daily and nightly. Will it ever stop? Yo, I don't know. Turn off the lights and I'll glow. To the extreme, I rock a mic like a vandal. Light up a stage and wax a chump like a candle. Dance. Crush the speaker that booms. I'm killing your brain like a poisonous mushroom. Deadly. When I play a dope melody, anything less than the best is a felony. Love it or leave it. You better gain weight. You better hit bulls out of kid. Don't play. मित्रों नमस्कार। किससे संगीत के सीरीज के इस एपिसोड में इस बात करने जा रहे हैं भारत के पहले रैप गायक बाबा सहगल की। सन 92 का किस्सा है। मैग्ना साउंड संगीत कंपनी के अतुल चूड़ामणि ने मुझे फ़ोन किया, एक नया एल्बम भिजवा रहा हूँ, सुन के बताइएगा ये चलेगा या नहीं। उसके इनले कार्ड पर नाम था ठंडा ठंडा पानी। उसने सुन नहीं पाया। अगले दिन होली थी, बिल्डिंग में संगीत की लय पर सब लोग झूम रहे थे, वहाँ पर डैक भी मेरा ही बज रहा था। मैंने ये नया कैसेट लगा दिया, ठंडा ठंडा पानी। ठंडा ठंडा पानी वनीला आइस के हिट गीत आइस आइस बेबी की धुन पर आधारित था। उसके बजते ही माहौल बदल गया। लोग अन्य गीतों की तुलना में इस पर कुछ ज़्यादा ही झूमे। रात को जब अतुल का फ़ोन आया, उसने पूछा कैसा लगा। मैंने अपनी गट फीलिंग के आधार पर कहा यह हिट होगा। अतुल, मैं इसके गायक से मिलना चाहता हूँ। अतुल ने बताया, अरे गायक को ही कैसेट लेकर भेजा था। बाबा उन दोनों बहुत ही संकोची हुआ करता था, बस कैसेट देकर चला गया। जब बाद में अतुल ने उससे मिल पाया तो पता चला वो लखनऊ का रहने वाला है, पंत नगर यूनिवर्सिटी से बीटेक किया है, दिल्ली की डेसू यानी दिल्ली इलेक्ट्रिक सप्लाई अंडरटेकिंग में जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की नौकरी करता था। नौकरी छोड़कर बंबई संगीत में अपना नसीब अजमाने आया था। कैरियर के शुरुआती दौर में पैसा लगाने के लिए उसने अपना इकलौता स्कूटर सस्ते में बेच दिया था। बाजार में जब यह रिलीज़ हुआ, बाबा सहगल रातों रात हिंदी पॉप का सुपरस्टार बन गया। देश भर से उसे परफॉर्म करने के लिए बुलाने वालों की लाइन लग गई। मेरे एक परिचित लाइन्स क्लब के कार्यक्रम में बाबा को बुलाना चाहते थे, डेट नहीं मिल पा रही थी। उन्हें पता था बाबा मेरा परिचित है। उन्होंने मुझे एक ही अनुरोध किया, पैसे का बार्गेन नहीं करना, बस उसकी डेट दिलवा दीजिए। बाबा ने मेरे कहने से उनकी मनपसंद डेट दे दी, परफॉर्म भी किया और हमारे मित्र इसी से अभिभूत हो गए। वर्ष 1992 में ही रोजा फिल्म रिलीज़ हुई थी। इसमें बाबा का गाया गाना रुक्मणी रुक्मणी बेहद चला था। बस बाबा की गाड़ी तेजी से चल निकली। डॉक्टर डिंगरा, मैं भी मैडोना, धक धक दिल इन कलकत्ता एक एक करके खूब लोकप्रिय हुए। फिर 1998 में मिस 420 में अपने रैप आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा पर अभिनय भी किया। उन दिनों बाबा की लोकप्रियता आसमान पर थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री के परिवार तक भी उसकी शोहरत पहुंच गई थी। राजीव गांधी ने अपने बच्चों से मिलवाने के लिए उसे प्रधानमंत्री आवास पर ब्रेकफास्ट पर
बुलाया था। आप पूछेंगे आखिर रातों रात बाबा साहेकल को इतनी सफलता कैसे मिली। मुझे लगता है सफलता पाने के लिए टाइमिंग बहुत महत्वपूर्ण होता है। उन दिनों हिंदी फिल्मों के गानों में स्टीरियोटाइप माहौल बन गया था। ऐसे में बाबा ही नहीं, रेमो फर्नांडिस, अलीशा चिनाए, शेरोन प्रभाकर, प्रीति सागर, दरियन मेहंदी, सरों की ताजगी, अलग रिदम, अलग बीट्स लेकर आए थे, इसलिए उन्होंने पूरा माहौल बदल दिया। मैंने बाबा की रचना प्रक्रिया को भी करीब से देखा था। वह अपनी मेलोडी खुद तैयार करता था, बोल भी खुद लिखता था, अरेंजर और सेशन म्यूजिशियंस के साथ खुद ही बैठा करता था। उसकी ट्यून कैची होती थी, संगीत पैपी रहता था और बोल ऐसे कि युवा वर्ग के लोग उनको अपने साथ कोरिलेट यानी जोड़ सके। लेकिन सब दिन एक से नहीं रहते हैं। शताब्दी के अंत तक इंडिपेंडेंट संगीत धीरे धीरे नेपथ्य में चला गया। उसकी जगह पुराने हिंदी फिल्म के हिट्स के रिमिक्स ने ले ली। बाबा जहां पूरे साल कार्यक्रमों के लिए बुक रहा करता था, ये सारा सिलसिला थम गया। इंटरनेट पर संगीत मुफ्त मिलना शुरू हो गया था। फिल्मों का संगीत तो चलता रहा, लेकिन इंडिपेंडेंट गायकों का स्पेस बिल्कुल ख़त्म हो गया। बाबा की और भी कई समस्याएं थीं। पारिवारिक फ्रंट पे परेशानी कम नहीं रही थी, पत्नी से उलझाव, विवाद और फिर अलगाव, लिव इन रिलेशनशिप की शुरुआत। लेकिन इस सब के बीच में बाबा ने अपने आप को लगातार री इन्वेंट करने की कोशिश की है। यूट्यूब चैनल खोला, इंटरनेट पर खूब सक्रिय है और अपने चैनल के लिए लगातार गाने रिकॉर्ड करता रहता है। पिछले दिनों उसके दो गाने मुझे बहुत अच्छे लगे, रैप हैं चिकन फ्राइड राइस और मशहूर गायिका एलन को अकीदत पेश करने के लिए एलन मैलन। कुछ भी कह लीजिए, लेकिन जब भी भारतीय संगीत का इतिहास लिखा जाएगा और रैप संगीत का जिक्र होगा तो बाबा साहेकल को पहले रैपर के रूप में याद किया जाएगा। इस एपिसोड में इतना ही। अगली बार आपसे मिलते हैं किसी अन्य फिल्मी संगीत या गैर फिल्मी संगीत की शख्सियत के बारे में कुछ जाने अनजाने पहलुओं पर बातचीत करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।